नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर SSC की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत SSC CHSL, SSC MTS की आपकी यहां पर तैयारी हो रही है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट बना दिया है और तीनों पार्ट के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। देखिए, उपग्रह को हम लोग चंद्रमा का भी नाम देते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो टाइटन है, टाइटन सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सन का सबसे बड़ा उपग्रह आपका कौन है? टाइटन हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करें कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होता है, तो बृहस्पति का सबसे उपग्रह होता है गैनीमेड। कौन होता है? गैनीमेड। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है मंगल ग्रह से, कि मंगल ग्रह का रंग होता है लाल, क्योंकि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और इसका सबसे छोटा उपग्रह है वो आपके सौरमंडल का सबसे छोटा है, आपका डीमोस, ठीक है। डीमोस उपग्रह मंगल का सबसे छोटा है, साथ में सौरमंडल की भी सबसे छोटा उपग्रह आपका डीमोस, जो कि आपके मंगल ग्रह का है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अर्थात जो छुआछूत संबंधित आपका अनुच्छेद है उसका वो कौन सा आपका आर्टिकल है? ये आर्टिकल आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो कि छुआछूत यह कह सकते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन का निवारण आपका अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि आपका अनुच्छेद 19 क्या होता है, तो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं भारतीय लोगों को, ठीक है। जो इंडियन है उनको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, हीरा। हीरा जो है आपका सर्वाधिक कठोर तत्व है। ये भी पॉइंट याद रखना कि जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है, कार्बन का अपर रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो आपकी जो बनती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं आपके अस्थि मज्जा में, ठीक है, कहाँ पर? अस्थि मज्जा में बनती हैं, अर्थात बैकबोन में बनती हैं। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल आपका होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन होता है। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि रक्त में, ठीक है, मानव बॉडी के रक्त में आपकी जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है, मतलब जो केंद्रक होता है लाल रक्त कणिकाओं में ना पाया जाता है। एक जानवर है जिसका अपवाद है आपका लांबा, जो ऊंट का एक प्रजाति होती है, ठीक है, ऊंट में या लांबा एक जो ऊंट की प्रजाति है उसके लाल रक्त में या रक्त में आपकी केंद्रक पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है, गुर्दे में या किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? आपके SSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुर्दे में आपकी जो बनती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की, कौन सी? कैल्शियम ऑक्सीलेट की पथरी बनती है आपके गुर्दे या किडनी में बनने वाली होती है। दूसरा पॉइंट आपका यकृत से क्वेश्चन क्या होता है कि आपकी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है आपकी यकृत होती है, ठीक है ना। अगर कोई मनुष्य दारू पीकर या जहर खाकर मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है किसका? यकृत का ही होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अर्थात जो डॉक्टर अंबेडकर की एक समिति थी, ये प्रारूप समिति, इसमें से कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को भी लगा लें तो आपकी 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता कि डॉक्टर अंबेडकर को हटाकर या छोड़कर, तब आपके कितने हो जाते? 6। लेकिन ये प्रश्न को अच्छे से पढ़िए तो आंसर आपको मिलेगा कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में इसका मतलब अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो वो आपके अध्यक्ष हैं, 7 में 6 ये, तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। लेकिन ये बोल देता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा उनकी समिति में कितने सदस्य थे, तो आपके 6 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पश्चिम वाहिनी नदियों में
कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं, अर्थात दो पर्वतों के बीच बहने वाली आपकी नदियां कौन सी हैं, ठीक है, लेकिन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, ठीक है। तो आपकी आपका एक नदी है आपकी नर्मदा, दूसरी और होती है आपकी ताप्ती नदी, ये कौन दो पर्वत श्रेणी को बहती है, तो देखिए आपका ये है भारत, और भारत में ये जो आपका यहाँ से डिवाइड करता है उत्तर भारत को, वो आपका विंध्य पर्वत, ठीक है, और उसके नीचे आपका सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से निकल के आने वाली ये नर्मदा नदी है जो आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है। साथ में आपके सतपुड़ा पर्वत और अजंता के बीच बहने वाली नदी होती है ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपकी ही नदी है आपके भारत से एक रेखा जाती है कर्क रेखा, ठीक है, भारत के बीचों से लगभग जाती है कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा को दो बार आपको काटने वाली रेखा है माही नदी, ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अर्थात जो आपके हैलोजन तत्व होते हैं उनमें सबसे अभिक्रियाशील आपकी कौन सी यहाँ पर, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फ्लोरीन, कौन सी, फ्लोरीन। देखिए हम आपको यहाँ पर जो जीएस पढ़ा रहे हैं तो 25 प्रश्न तो होते हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन से निकाल के आंसर आपको बताते हैं, लगभग आपके 60 से 70 प्रश्न आपको एक वीडियो में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फ्लोरीन होती है, ठीक है ना। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, आपका घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होती है, होता है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है आपका राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपके एंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, कीटों के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 9 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुँचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया, किसान क्लब का निर्माण किया है, ये आपका कौन सा बैंक है, ये बैंक है आपका पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि भारतीय अर्थात भारतीय पैसों से स्थापित किया गया भारत का पहला बैंक कौन, आपका PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक ही है, ठीक है। और अगर देखा जाए औद्योगिक दृष्टि से सबसे बड़ा आपका बैंक कौन है, तो आपका भारतीय बैंक है, जिसकी शाखाएं आपके बाहर भी स्थापित की गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, अर्थात जो महाभियोग है वो हम लोग किस पर नहीं लगा सकते हैं, तो ये देखिए किस पर नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर यार राष्ट्रपति भी तो लगा सकते हैं, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कभी भी नहीं लगाया सकता, ये पॉइंट याद रखना है, राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश, और देखिए यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं लगा सकते, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये 4 ऑप्शन आ गए हैं जो काफ़ी टिपिकल आपका ये प्रश्न बना दिया है, क्योंकि राज्यपाल पर महाभियोग तो नहीं लगता है, ये आप सबको पता है, सेकेंड उपराष्ट्रपति पर भी नहीं लगता, लेकिन उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वो राज्यसभा के समस्त सदस्य लगाते हैं, इस कारण से इसमें उचित आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। यहां पर उपराष्ट्रपति पर जो लगाया जाता है महाभियोग, उसे महाभियोग नाम नहीं देते, क्योंकि महाभियोग का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत पारित हो दोनों तय, उसे महाभियोग बोलते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पूरे राज्यसभा को सहमति देना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, जो आपके रामानुज थे उनके जो अनुयायी थे उनके अनुयायी को कहा जाता है आपके वैष्णव, क्या वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे आपके रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हीरे की खनिजी बनावट क्या है, जो आपकी हीरे की खनिजी बनावट है
जो हीरा होता है उसकी बनावट कैसी होती है, कार्बनिक होती है। मतलब कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि कार्बन का अपर रूप क्या होता है, मतलब कार्बन का रूप ही होता है आपका हीरा होता है। तो इस प्रकार से हीरा और ग्रेफाइट आपके कार्बनिक ही खनिजी बनावट के आधार पर आते हैं, क्योंकि उसी के अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो कितने लाख होते हैं, तो आपका यहाँ पर मेगा बाइट के बराबर होती है, 10 लाख होती है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो ये कितना लगता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो ये तो पॉइंट याद रखना है कि सिल्वर, जर्मन सिल्वर तो नाम है, सिल्वर भी उसमें नहीं होता है, साथ में आपका एल्यूमिनियम भी नहीं होता है। ठीक है, सिल्वर भी नहीं होता, एल्यूमिनियम भी नहीं होता है। नेक्स्ट कर आपसे कि भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय में नहीं है, निगम की आय में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो आपके सामूहिक अतिरिक्त लाभ को यहाँ पर निगम कर के अतिरिक्त नहीं लाभ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर 17 नंबर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने में, ठीक है, आयोजना बनाने में संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। ये आपका क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन आपका बी, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, ये आधारित है ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, वाष्पन शीतलन द्वारा। ठीक है, वाष्पन आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका विजयनगर साम्राज्य जो आपके हम्पी के लिए जाना जाता है, ठीक है, किसके लिए, आपके हम्पी साम्राज्य था, जो हम्पी के अवशेष हैं आपके कर्नाटक के पास मिलते हैं, वही आपका विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये किस नाम से जानते हैं। 20 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात आपके पद्म पाण के नाम से जानते थे, जो आपके बोधिसत्व अवलोकितेश्वर थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं लगाती, अर्थात कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ये आपका है जो मनोरंजन कर है, आपकी केंद्र सरकार नहीं लगाती, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मनोरंजन कर। नेक्स्ट कर आपसे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, ये आप थे आपके बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किस देश ने दिसंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग से अलग होने की घोषणा कर लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग से अलग होने की घोषणा किया है, ये आपका देश है जापान। ठीक है, जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बांग्लादेश आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना लगातार कौन सी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं, कौन है आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, शेख हसीना, ये आपकी लगातार आपकी बनी है जो कि प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, ये कौन है, तो कितने बार बनी है, तो यहाँ पर आपका 24 का ऑप्शन आपका बी, अर्थात ये तीसरी बार बनी है शेख हसीना आपकी, कहाँ की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि बांग्लादेश के साथ विवादित एक आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में एक द्वीप है जिसे बोलते हैं न्यू मूर द्वीप, कौन है न्यू मूर द्वीप है, ये आपके बांग्लादेश और आपके भारत के बीच विवादित आपका ये द्वीप है, साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगी है और सबसे कम लगी है आपके अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बिहार के नालंदा जिले के पारस्परिक मिष्ठान जो कि कह सकते हैं सिलाव खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह मिष्ठान बिहार के अलावा और किन राज्यों में अधिक लोकप्रिय है, ये कौन सा, आप मतलब कह सकते हैं कि जो मिष्ठान है आपका सिलाव खाजा, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये जो मिष्ठान है बिहार के अलावा किन राज्यों में अधिक लोकप्रिय है,
ये आपका राज्य हो जाएगा डी, अर्थात कह सकते हैं ए और बी, उत्तर प्रदेश में भी और आपके उड़ीसा में भी आपके ये मिष्ठान का कह सकते हैं इन राज्यों को भी अधिक लोकप्रिय आपकी मिठाई वहाँ पर बनी है, ठीक है ना। 25 प्रश्न हमारे सेट पेपर में होते हैं। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण एक चीज़ बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के नीचे मिलेंगे हमेशा। और याद रखना कि ये हमारा जो चैनल है देव जीके ट्रिक, ये हमारा ही चैनल है और पहला हमारा ये चैनल फर्स्ट चैनल है जहां पर आपके 110,000 सब्सक्राइबर लगभग हैं, जहां पर आपको स्टेट लेवल की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज, साथ में आपकी हिंदी की फुल टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी कराई जाती है और आपकी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो आपको अगर ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना है तो इसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ये पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पे, चैनल का नाम है देव जीके ट्रिक चैनल है, ठीक है, इसी के नाम से आपको टेलीग्राम पर जो जाएंगे, जब आपको लिंक आपको मिलेगी तो टेलीग्राम में जैसे ही ज्वाइन होंगे तो उसका टेलीग्राम में लिखा होगा आपके देव जी के ट्रिक, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए, ये भी हमारा ही चैनल है, ठीक है। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो अगर आपको हमारे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया है, तो उसको क्लिक करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जितने भी अभी तक हमने पार्ट पढ़ाया है आपके SSC MTS से संबंधित और SSC CGSL से संबंधित, तो आपके सभी वीडियो इसी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।